फ्रेंड ग्रुप में भी इस तरह से बात करते हैं, बट हमारी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम किस टाइप की बात कर रही हो, किस टाइप के तुम, कहाँ जा रही हो, उन सबको किस तरह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अब आखिर कौन है, हम सॉरी, मैं कहाँ हैं, लास्ट पॉइंट मिस कर गया आपका मैं। हम अपने फ्रेंड ग्रुप में किस तरह से उन लोगों को अप्रोच करें कि वो अपने दीन की तरफ आए, रियलिटी को चेक करें, क्योंकि वो सब लोग इस टाइम इतने मॉडर्न फेस में है ना कि कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि सुनता है, जब सुनता है तो उनके रूह कांप जाती है, तो इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहते। तो उनको किस तरह से वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो इस रास्ते पे आए। ओके, वन सेकेंड, लेट मी थिंक अबाउट इट। देखो, मेन चीज़ है, अगर आप पहले तो होता ये है, तरीका ये है करने का कि पहले तो आप वो ब्रेक करें जो बैरियर है, जो उनको सुनने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, जो उनको दीन की बातों को समझने की सलाहियत नहीं दे रहा है, अल्लाह से इतना ही दूर हो गए हैं कि वो अल्लाह की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो कायदे से तो पहले ये ब्रेक करना चाहिए। अगर सुनना ही नहीं चाहते हैं तो कॉन्शियसनेस ऑफ आखिरा इज़ द ओनली थिंग जो लोगों को इस सीरियसनेस की तरफ ला सकती है। आई एम लाइक श्योर अबाउट इट, ठीक है। आप कोई भी और बात करें ह्यूमनिटेरियन के बारे में, मैं सच बताऊं तो ये बस एक सॉर्ट ऑफ मिराज है जो लोगों ने बना दिया है कि इंसानियत ये, इंसानियत वो, दिस एंड दैट। नो बडी रियली केयर्स अबाउट इट। अगर करते तो इतना ना इतना मसला ना हो रखा होता, इतना मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे इतने ना होते, एजुकेशन इतनी महंगी ना होती। ह्यूमैनिटी इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन, मिराज है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाल रखा गया है, कुछ है नहीं। तो जो लोगों को ना बात सुनने पर क्या कर सकते, कंपेल कर सकता है ना, वो सिर्फ है कॉन्शियसनेस ऑफ आखिरा। तो आखिरा की तरफ ही लाना पड़ेगा, तभी वो बात सुन पाएंगे। अदरवाइज उसके अलावा तो आप उनको कुछ भी बताते रहे, उनको कहानी ही लगेगी, और जब सुनते ही नहीं है तो फिर तो कुछ और बात बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले तो जो सुनने वाली वो जो सीरियसनेस है ना, वो उसी से आएगी, आखिरा से। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह के रसूल के टाइम पर भी अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही किया था। कॉन्शियसनेस ला रहे थे, वो दो चीज़ें बात कर रहे थे, जैसे मैंने बताया तौहीद की, ठीक है। अल्लाह तौहीद इज़ द लाइक इज़ यूनिक कॉन्सेप्ट टू इस्लाम। इस्लाम के अलावा तौहीद की कोई बात ही नहीं करता है। हर सब जगह पर एनी सॉर्ट ऑफ पॉलीथिज्म आ ही गया है थोड़ा बहुत। कोई भी क्रिश्चियन जो भी और दीन है ना, जो मोनोथिज्म की बात करते हैं, सबके अंदर किसी ना किसी वर्जन का पॉलीथिज्म है। तो इस्लाम के अंदर जो तौहीद कॉन्सेप्ट है ना, इज़ यूनिक टू इट। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है इन एनी वे, ठीक है। जॉब भी करनी है ना तो बॉस की पूजा नहीं करनी है। बॉस ठीक है भाई, तो सैलरी देता है उस काम के बदले जो मैं थोड़ा बहुत तेरे लिए कर देता हूँ, वो मेरा खुदा नहीं है कि जो मेरे फैसले को बदलेगा या जो जो मेरे लाइफ के डिसीजंस लेगा। अब तो कॉन्शियसनेस ऑफ आखिरा ही अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने अलैहिस्सलाम उस टाइम पर लोगों के अंदर डालनी स्टार्ट करी थी। कॉन्शियसनेस ऑफ आखिरा, आखिरा की बात करते थे। अब इसको करने के मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप के दोस्त किस तरीके के हैं। आप उनको ग्रुप पे मैसेजेस भेज सकती हैं, आप उनके साथ ग्रुप गैदरिंग करें। जैसे अगर गैदरिंग होती है, किसी और तरीके की बात होती है, तो धीरे धीरे उसमें वो टॉपिक से, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जिस चीज़ पर आप लोग हंसी मजाक करें, बात करें, उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों का एट्रीब्यूट डालें। देखो, अल्लाह के रसूल, मैं वही बताया ना कि आप सीरा पढ़ेंगे ना तो आपको दावत देने का तरीका भी पता चलेगा। अल्लाह के रसूल ने कैसे दावत दी थी, तरीका क्या था? पहले दावत दी, लिटरली खाने की दावत, उस पर बुलाया, और फिर इस्लाम का मैसेज दिया। तो आप इस तरीके से वीकली, मंथली इस तरीके की बात करें। देखो, चार पांच जो भी दोस्त हैं आपको, दावत दे रहे हो लेकिन बात मेरी सुननी होगी, ठीक है। खाना तुम्हारी मर्जी का, बात मेरी मर्जी की। तो इंशाल्लाह इस तरीके से थोड़ा बहुत, और ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन लोगों के दिल खोले, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, एक बात लाइक सबको पता है, ये आई थिंक कोई इस बात से नावाकिफ नहीं है कि कितनी भी हम कोशिश कर लें, दिल खोलने वाले अल्लाह सुबहान व तआला हैं। लेकिन अल्लाह के दिल खोलने का भी फॉर्मूला है। अल्लाह सुबहान व तआला दिल खोलते उसी का है ना जिसका एफर्ट जेन्युइन होता है, ठीक है। वो लेकिन उसका हार्ट ना ऑनेस्ट होता है, भले वो कितनी छोटी एफर्ट हो, लेकिन अगर वो ऑनेस्ट एफर्ट होता है तो अल्लाह उसी का दिल खोल देते हैं। और इसके हमें इमेंस एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमारी डेली लाइफ में भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ऐसे ट्राई करें जो अभी मुझे समझ में आ रहा है। उसके अलावा देखते हैं, बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह उन लोगों के लिए आसानियाँ करें, उनके लिए उनके दिल खोले इस काम में। एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन किसी का इसी से रिलेटेड पूछना, मुझे ज़्यादा आता नहीं है, मैं इधर उधर के जवाब नहीं दे पाऊँगा। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत सारा ऐसा आता अस्सलाम हूँ। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए,
और अपने घर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मतलब कुछ ऐसी चीजें होती थी, मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी दीन वाला बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तो पढ़ते थे लोग घर में पहले भी, लेकिन कोई रेगुलरिटी नहीं थी। मतलब कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, ऐसे था। लेकिन जब थोड़ा सा अल्लाह ने हिदायत दी यहाँ पर मुझे और मेरे भाई को, तो हम लोगों ने जब समझाना शुरू किया तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने लगे हैं लोग घर में, काफी सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं अब तो। लेकिन ये है कि हम लोग जितनी भी कोशिश करते हैं उसमें वो लोग, जैसे अब जैसे शादी की बात होती है जब घर में, तो जब लड़की की शादी की बात होती है तो जब हम लोग समझाते हैं कि ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो दीन के रास्ते पर हो या जो सुन्नतों को फॉलो करता हो, तो उन लोगों का कहना ये होता है कि नहीं, हम ऐसे लड़के आज कहाँ मिलेंगे, ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे। तो मतलब उनका ये कहना है कि नहीं तुम मत करो ये सब, इतना ज्यादा मत करो कि तुम्हें बाद में तुम्हारी शादी के बाद प्रॉब्लम हो, मतलब इन सारी चीजों का। तो मेरा ये सवाल है कि उनको ये कैसे समझाएं कि नहीं ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, इसमें ये क्यों हो सकता है कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि हम कहाँ ढूंढेंगे, वो तो अल्लाह की मर्जी। तो ये चीज उनको कैसे समझाएं। उनको समझाना तो इसी तरीके से है कि अल्लाह की मर्ज़ी तो आपने जो बता दी, मेन चीज़ है उनको वो पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा आपको कि ये ज़रूरी क्यों है, क्यों का जवाब आप समझ रहे हैं। इतना इतना हल्का ले लिया है ना मैंने, इस इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ का मैटर है ये। लाइक शादी ना बेस है, बेस फैमिली सिस्टम जो इस्लाम का है, फैमिली सिस्टम तो कंबाइंड चार पांच लोगों का वो चीज़ हो गई, बट जो मैरिज है ना इट्स द बेस ऑफ द थिंग्स दैट कन कम इन द फ्यूचर। अब अगर आपने इस बेस में ना जो दो दो वेरिएबल्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं, मैन एंड वुमेन, अगर आपने इनकी वैल्यूज़ को गलत कर दिया ना, तो फिर आने वाली जनरेशन ना मतलब वो कारून फिरौन और हिटलर ही बनेगी, और कुछ बन नहीं सकती। अगर हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो ठीक है, ऐसे इतने बुरे काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो कुछ और कर नहीं पाएगी। अगर आपने गलत पैरामीटर्स पे किसी आदमी को या किसी लड़की को आपने चूज़ कर लिया तो, अब बताने का तरीका ही है, सीरियसली आप उस तरीके से बताएं जो इसकी सीरियसनेस है, ये कितना बड़ा मैटर है। ये उनको ये मत बताओ कि ये स्कूल कॉलेज का एडमिशन नहीं है कि चलो ठीक है इस साल यहाँ ले लेते हैं, अगले साल कहीं और बदलवा के ले लेंगे। शादी है कोई, लाइक हर हर साल हस्बैंड नहीं बदलने हैं, हर साल वाइफ नहीं बदलनी है, ठीक है, ये वन टाइम इवेंट होता है लोगों की लाइफ में। तो इसकी सीरियसनेस बताएं, कितना सीरियस मैटर है ये, और क्यों चाहिए आपको वो, लाइक व्हाई डू यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ मैन जो जिसके अंदर ये वाले एट्रीब्यूट हों। और ये तो बहुत ही बेकार सा रीज़न और आर्गूमेंट, ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे, बहुत है लड़के मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। आई मीन अब तराजू से तोलोगे सहाबा की और उनकी फरिश्तों की, तो फिर कोई नहीं उसमें फिट बैठने वाला। लेकिन आप जो एक इस टाइम का जो इन्वायरमेंट है ना, आप देखोगे कि माशाल्लाह हर तरीके के हराम से दूर रहता है, कभी कोई उसकी कोई किसी टाइप का हराम रिलेशनशिप नहीं रहा है, ठीक है। जॉब वगैरह में भी वो बिजनेस में ध्यान रखता है कि किसी तरीके का हराम ना खा ले, नमाजें वो पढ़ता है, और फिक्र है उसको लोगों की, कम्युनिटी की, उम्मा की, फैमिली सिस्टम को समझता है, और विजन है लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का विजन इतना ही खतरनाक और वर्ल्ड व्यू वाला हो कि यार मुझे बस पूरी दुनिया में इस्लाम का ही बोलबाला फैलाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर इंसान का इतना बड़ा विजन हो, बट अगर उसका इसका इतना ही बड़ा विजन है ना कि मुझे अपनी फैमिली पर जाना है, मुझे अपने अहल वयाल घर वालों को बचाने हैं जहन्नम की आग से, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड विजन, ठीक है, वो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। तो उसकी सीरियसनेस बताएं आप उनको, आप जो जितने हल्के में जवाब मिलता है ना, उतने हल्के में इस बात को लेना नहीं है उनको भी, उनको इसकी सीरियसनेस बतानी है कि ये मब ज़रूरी क्यों है ये बात, और मेक श्योर कि ये टोन वो वाली नहीं होती जिस टोन में वो जवाब देते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे माँ बाप कैसे जवाब देते हैं। कुछ ऐसी बात जो उनको उनको अच्छी नहीं लगती है ना, तो उनके बहुत ही अजीब वाली से टोन आती है। सबके नहीं होंगे आई एम श्योर, लेकिन जनरली हमें ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। तो वैसे नहीं देना है आपको, आप कोट करें ना सीधे अल्लाह के रसूल को और कुरान को, कोट करी किया करें, ऐसे बताएं कि ना ये तो अल्लाह की मर्जी है, या अब हमने इस तरीके से बताया ना, तो वो वाला वो जो इफेक्ट क्रिएट होता है ना दिल के अंदर, जो हिट करता है यार ये क्या बात बोल दी मेरे बच्चे ने, तो वो वाली बात नहीं आ पाएगी। तो वो वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो वाली टोन यूज़ करें, वो तरीका यूज़ करें जिस तरीके से उनको आवाज़ समझ में आए। और
एक तो तरीका ये मिल जाएगा आपको अल्लाह के रसूल की सीरियसली पढ़ने से उनको, दूसरा ये है कि आप अपने माँ बाप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि उनको कौन सी बात किस टाइम पर पसंद आएगी या किस तरीके से पसंद आएगी। अगर कोई ऐसी बात है तो उनको किस वक्त में किस सिचुएशन में सुबह शाम रात को किस दिन ये बात बतानी है, किस दिन ये बात करनी है, और किस पॉइंट आप इसको स्ट्रक्चर करें। इतनी बड़ी बात को ना आप हल्के में मत बताएं कि यार बस ये तो पापा मुझे ऐसे ही करना है। आप उसका हम दीन दुनिया के छोटे से काम करने के लिए ना पूरा सिलेबस तैयार करते हैं हम, 4 दिन उसकी पूरा पीपीटी और स्लाइड्स बनाते हैं हम, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं। इतनी बड़ी बात करने के लिए अगर आप ऐसे ही ओरली जाके बोल देंगे ना तो वो इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा। इसको असाइनमेंट समझें आप एक, कि 2 महीने मेरे 3 महीने का टाइम ले कि ये मेरा असाइनमेंट है, मुझे अम्मा अब्बा को इस बात के लिए राजी करवाना है। ठीक है, निकाल दें सारी हदीत कुरान की आयतें निकाल के रख लें, लाके पेपर में लिख पीपीटी बना लें यार, आप प्रेजेंटेशन बना लें, और अब फिर जाके एक एक पॉइंट बात करें, एक एक स्टेप्स उनके आगे रखें कि इसलिए मुझे चाहिए। और इस बात की फिक्र ना करें कि अगर आपने अल्लाह से किसी कोई चीज़ मांगी है ना, और आपने अल्लाह के लिए आपके लिए अल्लाह ने वो चीज़ लिखी है, या अल्लाह को आपकी वो बात पसंद आ गई यार ये लड़की या ये लड़का मेरे लिए दीन के इस एट्रीब्यूट वाला पर्सन मांग रहा है, तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि अल्लाह रातों रात उसके दिल को किसी बंदे को बदल दे और ऐसा बना दे उसको सहाबा के लेवल पे ले जाके खड़ा कर दे। ठीक है, मतलब बहुत ही एग्जैगरेटेड बात लगेगी लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरली उनके अंदर वो कैरेक्टर एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो ये मुश्किल नहीं है। नहीं है मतलब अभी आपको नजर नहीं आ रहा है ना यार, आपने 1 बिलियन 1.6 बिलियन पॉपुलेशन में, चलो जितने भी उसमें से 40-50 करोड़ लड़के होंगे उस लेवल के इंडिया में जितने भी हैं, पूरी दुनिया में जहां भी जितने हैं, इतने आपने क्या सबको देख लिया, क्या आपने सबका कैरेक्टर पढ़ लिया, आप सबके बारे में जान लिया? नहीं जाना ना, तो आप ये डायरेक्टली आप कैसे कोई कह सकता है कि ऐसे है ही नहीं है। तो आपको ये सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखने हैं, प्यार से रखने हैं, मोहब्बत से, इखलास से, डू नॉट मेक देम लाइक कि आपकी अगली बात भी कोई कभी ना सुने, सो ऐसा नहीं बताना है। तो इंशाल्लाह टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको एक अपना एक असाइनमेंट बना लें कि यार बस ये मेरा टारगेट है, मुझे 3 महीने के अंदर मुझे अम्मा अब्बा को ये वाली बात मनवानी है और ये वाली दीन की बात। देखो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपके लिए आसानी करेंगे, और दुआएं तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप दुआएं रेगुलरली करते रहें इसकी चीज़ के लिए कि अम्मा अब्बा के मेरे दिल बदल दे अल्लाह, और मेरे लिए भी ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसा ऐसा लड़का या ऐसी लड़की अवेलेबल करा जो इन सर्टेन पैरामीटर पर फिट बैठता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इंशाल्लाह देने वाले अल्लाह हैं, हम कौन है ना। आई होप इट मेक सेंस। ओके, एनीथिंग एल्स? बहुत लेट हो गया आप लोगों को, बहुत लेट तक जगा दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। सो कोई क्वेश्चन नहीं है तो कैन वी रैप इट अप? पूछना है तो पूछ ले, कोई इशू नहीं है किसी को। बाकी तो आप लोगों को आई होप पता होगा मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, कभी भी मुझे पिंग करके कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू आंसर। ओके, ऑलराइट देन, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। सो जजाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मुझे वाकई में उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग ज्वाइन करेंगे, सच में मुझे लग रहा था कि शायद 10-12 लोग ही आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ज्वाइन किया। इतना लाइक प्लान तो मेरा बहुत कुछ आगे करने का है, दैट आई विल बी इंशाल्लाह डिस्कसिंग, लेट सी। ठीक है, ओके, जजाकल्लाह खैर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एंड हैव अ गुड नाइट।